हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर इज 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। तो यहां पे हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं। आपके पास टू कंडीशंस गिवन है। एक तो कंडीशन ये है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर इज 180। सेकंड बात है द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वेयर क्या है, वो 8 टाइम द लार्जर नंबर। द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। तो हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं। अब यहां पे आप देखें, एक तो कंडीशन है डिफरेंस की, स्केयर्स की डिफरेंस की, और एक कंडीशन है हमारे पास कि स्मॉलर का स्केयर वो 8 टाइम है लार्जर का। तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की हम बात करें, लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो स्मॉलर नंबर को हमने एक्स मान लिया। देन द लार्जर नंबर के बारे में हमें पता ही नहीं कि लार्जर नंबर हमारे पास है क्या। स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर के बीच में कोई रिलेशन दिया नहीं। इसके स्केयर का लार्जर नंबर के साथ एक रिलेशन दिया हुआ है और दोनों के स्केयर के डिफरेंस के बीच में है। तो हम लार्जर नंबर को क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए वाई मान लेते हैं। हमने क्या किया, लार्जर नंबर को थोड़ी देर के लिए वाई मान लिया। अब आप देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के हिसाब से हमारे पास क्या है, द डिफरेंस ऑफ द स्केयर्स ऑफ द टू नंबर इज 180। डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ टू नंबर इज 180। अब डिफरेंस या तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 180 लिखेंगे, या वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 180 लिखेंगे। अब आप देखें कि एक्स तो स्मॉलर नंबर है और वाई लार्जर नंबर है, तो जब वाई लार्जर है तो वाई का स्केयर भी लार्जर होगा, तो वाई का स्केयर बड़ा होगा। तो वाई के स्केयर में से एक्स का स्केयर माइनस करेंगे तो ही तो 180 बचेंगे। अब देखो एक्स अगर स्मॉलर है वाई से, एक्स स्मॉलर है वाई से, तो एक्स का स्केयर भी वाई से, वाई के स्केयर से स्मॉलर होगा। एक्स हमारे पास अगर 4 है और वाई हमारे पास 9 है, तो एक्स स्केयर हमारे पास आ जाएगा 60 और वाई स्केयर आ जाएगा 81। तो इसका स्केयर भी इससे कम है, तो इसके स्केयर में से इसको माइनस करेंगे, 16 में से 81 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इट मीन्स वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वाई लार्जर नंबर है तो वाई का स्केयर भी लार्जर होगा। तो वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर दैट इज इक्वल टू 180। एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गई है। यहां पे कह रहे बच्चों एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की बजाय वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर कर रहे हैं, क्योंकि वाई लार्जर है तो लार्जर में से स्मॉलर माइनस करेंगे तो ही हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 180 तो पॉजिटिव है। अब दोबारा से एक और कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन के हिसाब से देखते हैं। अगेन
22 क्वेश्चन, दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है कि द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्केयर, स्मॉलर नंबर है x, तो x का स्केयर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर है y, x स्केयर, द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, मीन्स x स्केयर दैट इज इक्वल टू 8y। ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन को हमने मैथमेटिकली या अल्जेब्रिकली लिख दिया। अब आप देखिए, हम सॉल्व करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पहुंचाते हैं। x स्केयर की वैल्यू 8y है, तो हम लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x स्केयर इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास y स्केयर माइनस x स्केयर की जगह पे 8y दे दिया, 8y दैट इज इक्वल टू 180। अब इसको भी इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया y स्केयर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, यहां से इसके फैक्टर बना लेते हैं, सम हमारे पास आना चाहिए माइनस 8 और प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए माइनस 180 और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो माइनस 180 ही रहेगा। तो यहां पे अगर हम 18 और 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आ जाता है, और अगर मैं 18 को माइनस करें तो यहां पे माइनस, इनको प्लस करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 180 आ जाएगा। तो यहां पे y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से y कॉमन, अंदर y माइनस 18 प्लस 10 कॉमन y माइनस 18, तो यहां से y माइनस 18 कॉमन ले लिया हमने y प्लस 10 दैट इज 0। तो एक तो y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और एक y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 18 और यहां से y इज इक्वल टू माइनस 10। अब देखो यहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि पॉजिटिव नंबर है, तो आगे चलेंगे अभी हम, तो हमारे पास टू केसेस होगी, एक तो y की वैल्यू 18 आई है और एक y की वैल्यू हमारे पास माइनस 10 है। तो केस वन, व्हेन y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 18, तो y हमारे पास 18 है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहां से निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू, x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8y, या जहां से भी आपको लगता है कि निकाल सकते हैं, तो बेटर यही सिचुएशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 इंटू वाई 18। तो हम क्या करेंगे, 18 की और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 144, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 144। एक्स जब हम निकालेंगे तो स्केयर रूट हो जाएगा, टेकिंग स्केयर रूट 144 का स्केयर रूट, तो यहां पे प्लस माइनस में लिखेंगे, तो प्लस माइनस में लिखते हैं तो हमारे पास 144 से निकाल मिल जाएगा प्लस माइनस का, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब व्हेन वाई इज इक्वल टू 18, एक्स की वैल्यू 12 भी हो सकती है, और y इज इक्वल टू 18 के लिए x की वैल्यू माइनस 12 भी हो सकती है, एक तो ये लिखा है। अभी एक केस हो रहा है हमारे पास, केस टू, जब हमारे पास y की वैल्यू माइनस 10 है तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू माइनस 10, तो माइनस 80, तो x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 80 होगी,
अब आप देखो इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो रिजेक्ट है, बिकॉज स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो यहां हमारे पास दो सेट बने आंसर के, एक तो जो स्मॉलर नंबर है वो क्या आ रहा है 12, लार्जर नंबर 18, और एक स्मॉलर नंबर -12 और लार्जर नंबर 18। तो यहां पे हमारे पास दो केस इस क्वेश्चन के लिए बन रहे हैं कि इसके दो सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो, सो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, ये अगर हमारे पास 12 है देन लार्जर नंबर इज इक्वल टू 18, एक सेट तो ये है, और दूसरे केस में ऐसे लिख देंगे -12 और 18। तो ये दो सेट हमारे पास इसके आंसर के मिल रहे हैं। यहां पे आपको मैं तो ये बात ध्यान रखनी है कि कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि नंबर वो पॉजिटिव नंबर है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप इनको वेरीफाई करना चाहते हो कंडीशन को तो वेरीफाई कर सकते हो। अब देखो उनका जो डिफरेंस है, इनके स्केयर का डिफरेंट, 18 का स्केयर -12 का स्केयर, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो ये हमारे पास 18 का स्केयर 324 होता है और ये हमारे पास 144 होता है, तो ये 0 और ये ठीक है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई। अगर हम यहां पे -12 लेंगे तब भी ये 144 ही बनेगा, क्योंकि -12 का स्केयर भी 144, -12 के भी क्लियर सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन है कि जो स्मॉलर है उसका स्केयर, स्मॉलर तो 12 ले लेंगे -12 ले लेंगे, ये तो इसका स्केयर तो 144 ही आएगा स्केयर, और वो लार्जर का 8 टाइम है, लार्जर का हमारा 18, इसका 8 टाइम जब वही को आता है कि नहीं 144 18 तेजा 144 ही होते हैं, तो ये भी हमारे पास सही है, यानी कि दोनों ही कंडीशन आपके पास सही है। तो पहले बच्चों ये हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे आमतौर पर क्या था बाकी क्वेश्चन में, आपने एक्स लिया तो दूसरा जो नंबर था उसका इसी के साथ कोई ना कोई डायरेक्ट रिलेशन था, यहाँ पे इनके स्केयर्स के बीच में रिलेशन लिया है, तो थोड़ी देर के लिए हमने दूसरे नंबर को वाई मान लिया और फिर सारे काम को वाई में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये इसमें बाकी क्वेश्चन की बजाय इसमें ये बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की, तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है कि ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो डिस्टेंस है कितनी 360 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है उसको यूनिफॉर्म स्पीड पर ट्रेवल करती है। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो इसको 1 आवर लेस टाइम लगता फॉर द सेम जर्नी, उस यात्रा के लिए इसको 1 घंटा कम समय लगता, कब, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होती। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस यह है 360 किलोमीटर। हम मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन यह है एक्स किलोमीटर पर। अब फर्स्ट कंडीशन में जब वो एक्स किलोमीटर की स्पीड से चली तो टाइम कितना लगा,
टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर और स्पीड है x। एक तो केस ये है, दूसरी सिचुएशन में क्या है, जब जो स्पीड है 5 किलोमीटर मोर है, वेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, देन न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले x किलोमीटर थी, अब कितनी होगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, पहले x किलोमीटर पर आवर थी, अब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर होगी। डिस्टेंस तो वही ट्रेवल किया उसने, तो डिस्टेंस तो वही है, टोटल डिस्टेंस ये है 360 किलोमीटर। नाउ टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 360 और स्पीड इज x प्लस 5। अब ये दो केसेस हो गए, एक केस तो वो जब उसकी स्पीड x किलोमीटर है तो टाइम ये लग रहा है, एक केस वो जब उसकी स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर है तो टाइम ये लग रहा है। क्या बताया गया है कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो उसको 1 आवर लेस लगता। अब देखो ये स्पीड ज्यादा है, ये स्पीड कम है, रिपीट कर रहा हूं, ये स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा है और ये स्पीड 5 किलोमीटर कम है, तो स्पीड अगर कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा और अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। अब टाइम का डिफरेंस दे रखा है 1 आवर लेस, टाइम का डिफरेंस 1 आवर है, 1 घंटे का डिफरेंस है टाइम का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या डिफरेंस है कि जब स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम रहेगा और जब स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा रहेगा, तो ये टाइम ज्यादा है, तो इस टाइम में से जब मैं इस टाइम को माइनस करूंगा तो ये 1 आवर रहेगा, क्योंकि स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा रहेगा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम रहेगा, तो कितना टाइम कम लग रहा था, 1 आवर कम लग रहा था, यानी कि ये टाइम 1 आवर ज्यादा है, तो इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करेंगे तो 1 आवर आ जाएगा। बस इसके लिए इसको सॉल्व करना है, यहां पर इसका एलसीएम ले लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 5। अभी तो दूसरी इसको पार्ट को रहने दो, इसके इसके साथ करनी है 360 एक्स प्लस 0 ये हो जाएगा 180 माइनस 360 एक्स दैट इज इक्वल टू 1, ये इसके साथ के आंसर 1800 एक्स स्क्वायर प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 1। यहां से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 1800। यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए सम कितना होना चाहिए, सम हमारे पास 5 होना चाहिए और प्रोडक्ट है माइनस 1800 मल्टीप्लाइड बाय एक्स के कोएफिशिएंट 1 है तो माइनस 1800। अब यहां से बड़ा मुश्किल हो गया सोचना, तो हम अप्रोक्सीमेट सा ले लेते हैं, 45 और 40 को करके देख लेते हैं, बाकी का फिर उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो 0 तो आएगी, 4 पे ही कर लो बस इसको, 4 की 5 के साथ 20, 0, 2 और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया।
4 के साथ करेंगे 16 आ जाएगा, तो 40 है हमारे पास। यहां पे 5 आ गया, यानी कि एक 5 का डिफरेंस हो रहा है, तो एक मैंने 45 ले लिया और एक आपने 40 ले लिया। अब आप 47 और 42 लेके तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें यूनिट प्लेस पे 0 आने का ही नहीं, क्योंकि हमें तो 1800 चाहिए माइनस का, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे के बारे में तो प्रयास ही नहीं करना आपको, 35 40 40 45 45 50 ऐसे लेने जिससे 0 बने यूनिट प्लेस पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूनिट प्लेस में 0 है। तो हमने लिया 45 और 40, अब प्लस का 5 है यहाँ पे, तो इसको माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई में अपने आप माइनस होगी। अब यहां से हम लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 दैट इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन एक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन एक्स प्लस, यहां देखो ये 40 और 45 की मल्टीप्लाई से है, तो 40 कॉमन ले लिया तो 45 आ जाएगा। अब यहां से इन दोनों से हम x प्लस 45 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा x माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 0। x प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू माइनस 45 और यहां से x इज इक्वल टू 45। अब x क्या चीज है? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन 90 तो नहीं हो सकती, तो रिजेक्टिंग यहां लिखना चाहो तो इसको, बिकॉज स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी 40, तो यही हमारा आंसर है। स्पीड ऑफ ट्रेन में फाइंड करेंगे, सो स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर। अब आप इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं अपने आंसर को, 360 किलोमीटर अगर 40 की स्पीड से चले तो टाइम लगेगा 9 आवर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अगर स्पीड को हम 5 इंक्रीज कर दें तो 360 को अगर हम 45 की स्पीड पे चले, 9 पे कैंसिल कर लो पहले, 5 आ गया ये 40 आ गया, 5 1 और ये 8 आ गया, तो टाइम लगा 8 आवर्स। देखो 1 आवर लेस लगा, जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज कर दी तो 1 आवर लेस लगा, यानी कि हमने जो आंसर की वेरिफिकेशन कर लिया, इट मीन्स हमारा जो ये आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप आंसर की वेरिफिकेशन जरूर करें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। यहां पे आपको शायद ये चीज ना नजर आई हो, तो यहां पे ये 8 आवर्स है, आप इसको सिंपली समझ लें, यहां पे ये जब कैंसिल किया हमने इसको तो ये 8 आवर्स है।